नमस्कार, मैं पंकज तिमुंग और आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज। मैं फिलहाल उपस्थित हूँ आपका उमरंगसु के गोल्फ कोर्स के एरिया में। और जैसे कि आप सभी को पता है, जो हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पे काफी सारे अमूर फैल्कन आए हैं। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद जब हम लोग देखा कि यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उनसे जब बात किया, तो अमूर फैल्कन जो जो जिसने जितना पिछले पिछले साल जितना आया था उससे भी 3 लाख से ज़्यादा इस साल फैल्कन चिड़िया जो यहाँ आए हैं। और मैं मेरे जो सहयोगी है, मैं उनको अनुरोध करूँगा, जो चिड़िया जो आप देख सकते हैं, जो ऊपर ये चिड़िया इसी तरह से घूम रहा है। हालांकि ये चिड़िया साइबेरिया से यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद करीबन 1 महीना यहाँ रहते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ से धीरे धीरे चाइना की ओर चले जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आए, आने के बाद ये चिड़िया अक्टूबर महीना से आने को स्टार्ट होता है। और अक्टूबर महीना से आने के बाद अक्टूबर 15 महीना से धीरे धीरे करके आते हैं और नवंबर महीना तक वो लोग रहते। इसके बाद नवंबर महीना की महीना के बाद धीरे धीरे वो यहाँ से चले जाते हैं चाइना की ओर। यहाँ का जो जो डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, उन लोगों से जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि ये चिड़िया जो जो साइबेरिया से आते हैं, आने के बाद यहाँ ऐसे पेड़ों में ये इनका रात गुजारते, और जब सवेरे होता है तो वो लोग फिर से यहाँ से निकल के चले जाते हैं। और उनको जब शाम में जब वो लोग आते हैं फिर वापस अपने यहाँ रहने के लिए, भाई यहाँ इस पेड़ के ऊपर रहने के लिए, उनको जो यहाँ का जो लोकल जो जो बोल सकते कौवा, उनको गाइड करके धीरे धीरे इसी ऐसे पेड़ में वो लोग रात भर रहते हैं। फिर सवेरे होने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और इसी को चलते अमूर फैल्कन, इसी को चलते यहाँ अब फैल्कन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वो जैसे कि वो फेस्टिवल काफ़ी हर साल होता है। यह साल भी आप सभी को पता है, जो उसी फेस्टिवल में काफ़ी बॉलीवुड सिंगर जुबिन नटवाल आए थे। इस बार भी काफ़ी सिंगर फैल्कन फेस्टिवल में आएंगे। और हम हमारे दर्शकों से वही व्यूअर से ये अनुरोध करेंगे, जो भी यहाँ के फैल्कन फेस्टिवल में आते हैं, फैल्कन फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं, वो जो यहाँ का फैल्कन फेस्टिवल का जो 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 गोल्फ फील्ड का जो ग्राउंड है उसको गंदा ना करें, ठीक तरह से यहाँ का जो फेस्टिवल को देखे, उनका लुत्फ उठाइए। और जो जैसे कि आप सभी को पता है, जो ग्यासल जो फेस्टिवल देखने के लिए जो लोग आए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था। ट्रैफिक प्रॉब्लम काफ़ी हुआ था। उसी को चलते हमारे जो एनजी ऑटोनॉमस काउंसिल की ओर से इस बार जो फेस्टिवल का एग्जिट एंड एंट्री दो रोड बनाया है। एक तरफ से जब आप गोल्फ फील्ड के अंदर फेस्टिवल के अंदर आएंगे और धीरे धीरे करके और एक साइड से निकलने के लिए ये रूट काउंसिल की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया है। आइए चलते हैं। और जो यहाँ का जो लोकल बसिंदा है वो ये रूट के बारे में क्या बोलते हैं, आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो रास्ता बना रहा है लेकिन इसमें थोड़ा अभी 2-3 दिन लगेगा, हो जाएगा। एंट्री एग्जिट का लगा, इसमें एग्जिट होगा। लास्ट ईयर में बहुत प्रॉब्लम था, गोल्फ फील्ड में बहुत कुछ लोग दिखने भी नहीं मिला क्योंकि जुबिन जब आया रहा उस समय, क्योंकि आने का टाइम में इतना ट्रैफिक हो रहा। लेकिन इस साल में इतना ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि CM सर से बोला उसके बाद में, फिर हम लोग का अमिंदु सर और हम लोग का PWM नजीत केम्प्राय उन लोग से हम लोग का डायरेक्शन दिया इसको रास्ता बनाओ। तो उसमें हम लोग का साथ में हेमंजय भी है और मेरा फ्रेंड मिथुन हगजर भी है। तो हम लोग ये तो रास्ता बना रहा है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मानी ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हम लोग 3-4 दिन में हम लोग उन ख़त्म कर देगा ऐसे ये करने का। और जितना सकता है हम लोग ये तो अच्छा करने की कोशिश करेगा। और जब फैल्कन में आता है उनका भी प्रॉब्लम ना हो, माने इनके लिए हम लोग कोशिश करता है, माने ट्राई करता है, क्योंकि एग्जिट अलग होगा, इन अलग अलग, इसका लिए हम लोग ट्राई करते हैं। एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा। कि लास्ट ईयर में तो क्या होता, जहाँ से इन है उसमें से एग्जिट होता रहा, लेकिन इस साल में ऐसे नहीं होगा क्योंकि हम लोग का सेम एंट्री एग्जिट अलग होगा। हम लोग का CM सर का
डायरेक्शन है, इसके लिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, मन जितना सकता है हम लोग इतना कोशिश करते हैं। ये हम लोग को आता तो हम लोग को सही भी ऐसे आता, आने के बाद में इधर में पहुँचता कम से कम एक महीना तो वो लोग फ्लाई में चलते रहता। तो इसके बाद में अभी अक्टूबर 12 तारीख से शुरू हो जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी नवंबर 20 तारीख से वापस चला जाएगा। अच्छा, इधर सुबह में शाम को 4 बजे से करीब 6 बजे अंदर में गाछी में सब आ जाता, बोल जाता। उसके बाद में सुबह का 6 बजे में निकल जाता, दिन भर उड़ते हुए शाम को 4 बजे 4:30 बजे से शुरू होता, 6 बजे में पूरा गाछी में बोल जाता। मतलब पूरा एक महीना यहाँ में रहता है? हाँ, एक महीना करीब करीब एक महीना 28 दिन इसी में। इसके बाद लोग एक महीना होने के बाद, एक महीना 28 दिन के बाद लोग आस्ते आस्ते चला जाता। हाँ, आस्ते आस्ते चला जाता, एक दिन में सब नहीं जाता, उसमें कम से कम 20% कल में 30% इसे करके जाता है। इधर से हम लोग सुनने का हिसाब से यहाँ से चाइना में चला जाता है। वो लोग मतलब आपको जो यहाँ में जो आता है यहाँ में उनको कौन गाइड करता है? कौवा जैसे आवाज सुविधा में इधर में उन लोग जो आने का पुलिस पुलिस शुरुआत में कौवा हम लोग को लोकल कौवा उन लोग को गाइड देता है। तो हम लोग फॉरेस्ट स्टाफ तो है ही, साथ में इसे एनजीओ भी लोकल गार्डन भी साथ देता है। हम लोग को साथ में मीन हम लोग को गाइड देने वाला तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इस बार कितना आया आगे आगे? इस बार कम से कम अगली बार से कम से कम 3 लाख ज्यादा आया इस बार आप पहली बार से। तो आप लोग मतलब फॉरेस्ट का तरफ से मतलब फैल्कन को प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप लिया? मतलब किसे स्टेप लिया? मतलब हम लोग को इधर में जो अंदर पर्सन आता है उन लोग को गाइड देता है, खाली ये जगह नहीं, उस पर में हम लोग को खेम ड्यूटी है। उधर में भी स्टाफ आके बैठने पड़ता, रात में हम लोग को पेट्रोलिंग देने पड़ता। और अभी जब सीरिया आने का पहले आदमी लोग को नीचे जाने नहीं देता, उसके बाद हम लोग आराम से रात में इधर में बुझ जाता। दो टुके में यहाँ से 3 टुके में अलग अलग हम लोग स्टाफ लोग बात करते करने के बाद में अपना अपना जगह में हम लोग रात में भी पेट्रोलिंग करते रहता।